कोई देखने वाले भी नहीं है। अभी गवर्नमेंट इतने सारे देते, बोले हमारे को 1 रुपये नहीं दिया, अभी 10 लाख आने का था, 10 लाख भी नहीं आया। और गवर्नमेंट का पक्का हो जाता ड्यूटी, बोले अभी तक नहीं हुआ, हमारे को घर भी नहीं दिए। आखल उपासम मंडी नील दाई मंडकुंडा ओ कपूटा ओ पूटा ना निना तो उपूटा उपासम उठा मैं। मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर हमारी खास पेशकश। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे भारत की दो ऐसी महिला नागरिकों से जिनकी कहानी हमारे और आपके लिए और मुख्य धारा के मीडिया के लिए अदृश्य बनी रहती है। क्यों अदृश्य बनी रहती है, क्यों इनके साथ इतने समय से लगातार जो नाइंसाफी होती आ रही है वह किसी को परेशान नहीं करती। इनका नाम है भाग्यलक्ष्मी और मंगम्मा। मंगम्मा और भाग्यलक्ष्मी ने अपने अपने पति को खोया था, या यूं कहिए कि उनकी हत्या हुई थी सीवर और सेप्टिक टैंक को साफ करते हुए हैदराबाद में। 2016 में यह दुर्घटना हुई थी और तब से लेकर 2021 तक वे बाट जोड़ रही हैं कि कब न्याय होगा। जब हम न्याय की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जो 2014 में आया और उससे पहले 2013 में नया कानून आया, और इसके हिसाब से किसी भी भारतीय नागरिक को सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नहीं ढकेला जा सकता, और तमाम मौतों के लिए 10 लाख का मुआवजा देश की सबसे बड़ी अदालत ने तय किया, जिसे बाद में और उससे पहले संसद ने मुहर लगाई। लेकिन हम पाते हैं इन दो महिलाओं की कहानी के जरिए कि किस तरह से पूरे देश में मामला सिर्फ हैदराबाद का नहीं है, मामला पूरे देश का है। पूरे देश में इस तरह की महिलाएं बिखरी हुई हैं, संघर्ष कर रही हैं, अपने को और अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात मजदूरी कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं और सरकारों से न्याय की मांग कर रही हैं। आखिर क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, संसद का कानून लागू नहीं होता, जब वह मामला दलित उत्पीड़न, दलित जिंदगियों, सीवर सेप्टिक टैंक में मरने वाले भारतीय नागरिकों के संदर्भ में होता है। आइए जानते हैं इन दोनों महिलाओं से कि आखिर क्या वजह है कि ना इन्होंने लड़ना छोड़ा है और ना सरकार ने इनकी मांगों पर ध्यान देना छोड़ा है। सफाई कर्मचारी आंदोलन की बहुत मेहनत के बाद इन्हें बहुत मुश्किल से अस्थायी रूप से नौकरी तो मिली, लेकिन अभी भी लड़ाई जारी है, क्योंकि ना मुआवजा मिला है, ना नौकरी पक्की हुई है और ना घर और ना बच्चों की शिक्षा का कोई इंतजाम। मेरे हस्बैंड का नाम वीरा स्वामी है, उन्होंने सिवर का काम नहीं करते थे, बाहर का ऐसी कोई बुलाए तो जाते थे। उस दिन गए, मैं फर्स्ट में गए, सो है उन्होंने 16 में सुल्तानपुरी में उनकी डेथ हुई, सुल्तान बाजार में हुआ उनका डेथ। तो क्या आपको पता नहीं था कि वो सिवर का काम करते हैं? नहीं 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 मालूम मेरे को, उन्होंने काम करते थे पर ऐसा कोई छोटे मोटे काम को बुलाए तो जाते थे, पर ये बड़ा वाला में नहीं गए थे कभी भी, अभी कोई बुलाए नहीं मालूम मेरे को, तो उन्होंने फोन में बात करके गए। सो उस दिन संडे था, संडे के दिन गए सोए, फिर आए नहीं मेरे। जहाँ पे उनकी डेथ हुई वहाँ पर क्या था, सेप्टिक टैंक था या सीवर लाइन थी? सीवर लाइन था बड़ा वो 13 कुछ था उसका, बहुत अंदर ही थे उन लोग, हम लोग गए तक उन लोगों को निकाले नहीं, उसमें ही मर जाके उसमें ही है। हम लोग जाने के बाद पुलिस वाले मेरे को फोन करे ऐसा हुआ बोल के, हम गए, हम जाने के बाद उनको निकाले सोए, जब तक उनका हो गए था डेथ हो गए था उनका। అని గోసమాయిలా పనిచేస్తున్నాం మేడం, గోసమాయిలా సఫాయి పనిచేస్తున్నాం, ఊడుస్తున్నాం, నెలకు 8,000 జీతం ఇస్తున్నారు, అవి మాకు సరిపోతలేవు, మా పిల్లలు మేము బతకలేకపోతున్నాం. సబ్సే జ్యాదా ముష్కిల్ క్యా హై, ఒకనాడు తిన్నట్టు ఒకనాడు ఉపవాసం ఉన్నట్టే ఉందాం మేడం, ఇప్పటికాడికైతే చాలా ఇబ్బంది ఉంది. ఇప్పుడు ఇప్పుడు పెద్ద బిడ్డ పెళ్లి చేసిన చాలా ఇబ్బంది అయింది, మేము తిరిగి కట్టలేక చాలా ఇబ్బంది అయిపోయింది. अभी मेरे को जीने को बहुत मुश्किल हो जा रहा, क्या बच्चों को देखने को नहीं और ड्यूटी करने भी कम है पैसे, हमारे को कुछ भी जीवन अच्छा नहीं है हमारा,
कोई देखने वाले भी नहीं है। अभी गवर्नमेंट इतना सारा देते, बोले हमारे को एक रुपये नहीं दिया, अभी तक 10 लाख आने का था, 10 लाख भी नहीं आया। और गवर्नमेंट का पक्का हो जाता ड्यूटी, बोले अभी तक नहीं हुआ, हमारे को घर भी नहीं दिए। अभी 16 में मर गए, सो हमारा इनो अभी तक कुछ भी नहीं करे, हमारे को जीने का बहुत मुश्किल है। और अभी आपको नौकरी मिली है, कितना पैसा मिलता है? हमारा नौकरी को अभी 8,000 दे रहे हैं, हमारा 8,000 बस नहीं हो रहा, हमारे बच्चों को जीने को नहीं हो रहा, मेरे को खर्चों को नहीं हो रहा। నా ఏమైనా జనాభా కోసానికి పనిచేసి మా మొగన్లు చచ్చిపోయినరు, మాకు గవర్నమెంట్ కొలువు కావాలి, మాకు సొంతం ఇండ్లు కావాలి, మాకు కోటి నుంచి పశువులు కావాలి రావాలి, మా పిల్లలు మేము మంచి బతకాలి, మేము ఎందుకు అన్నదాలు అయిపోవాలి, ప్రపంచం కోసానికి మేము ఎందుకు అన్నదాలు కావాలి, అంతేనా కదా మేడం? ఇప్పుడు మేము బొట్టు తుడుపుకున్నాం, మా మొగన్లు పోయినరు, మాకు ఎవరు చూస్తారు? అయ్యా అన్న చూస్తాడు, ఏ భయ చూస్తాడు, ఏ అక్క చూస్తుంది, ఎవరు చూడరు, ఎవరు పిలిచి అన్నం పెట్టరు. ఆకలి అయితే ఉపాసం వండి నీళ్ళు తాగి పండుకుంటాం, ఒక పూట ఒక పూట అన్నం తిన్నట్టు ఒక పూట ఉపాసం ఉంటాం మేము. నాకు పీడ్ సారే, ఎప్పుడు మరగాను, ఎప్పుడు చదివారు, చోటు చోటు బచ్చాయి. बच्चा बड़ा वाला 7th में है, छोटा वाला 5th में है। बच्चे गवर्नमेंट स्कूल, उनके पापा प्राइवेट में दालेसो थे पहले, उसमें से निकाल के अभी गवर्नमेंट दालेसो हूँ मैं। उसमें भी आधा पैसा भरना है, HVS अनवन मैमशाला बोल के है, उसमें आधा पैसा मैं भरना है, आधा पैसा गवर्नमेंट वाले डालते बोले। अभी फीस तो मैं ही भर रही मैडम बच्चों का। बच्चों के लिए भी अभी सरकार से कुछ मिला नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं मिला, एक पैसा भी नहीं मिला अभी तक हमारे को। आपके बच्चे तो बहुत पढ़ने में तेज हैं, और जब मैं पहली बार मिली थी तो वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। हाँ मैडम, अभी भी वैसी चाहिए उन लोगों को, पर मेरा कितना हुआ उतना कर रही मैडम उनके लिए। अभी वही स्कूल में पढ़ रहे हैं इन लोग, पहले इन लोग किसमें डाले उसमें चाहिए, अभी एक निकाली नहीं उन लोगों को, उसमें ही पढ़ा रही मैं, उसमें ही पढ़ा रही। तो अभी आप क्या किराए के घर में चली गई हैं? हाँ मैडम, अभी वो वॉचमैन का ड्यूटी करने रहते थे, उन लोगों को पार्किंग का एरिया बहुत मुश्किल हो जा रहा हमारे को बोलो तो, मैं निकल गई मैडम। हम रेसो एरिया में किराया बहुत ज़्यादा है, 7,000-8,000 बोल रहे, 6,500 में अभी किराए भर रही मैं, मेरे को बहुत मुश्किल हो जा, अभी 5 महीने हुआ किराए को लेके मैं, बहुत मुश्किल हो जा रहा। अभी 1 रुपये भी नहीं है मेरे पास, मेरे बच्चों को खिलाने को भी नहीं मिल रहा अभी मेरे को, और बहुत मुश्किल हो जा रहा मैडम। थोड़ा थोड़ा हैदराबाद फिर के थोड़ा किधर मर गए बोल के मैं वो 30 केसेस लाए इधर से हैदराबाद में, लाके वो 8 साल से फिर के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी आए, जजमेंट भी खातर नहीं करे गवर्नमेंट का, वो कलेक्टर भी की नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का, कलेक्टर क्या बोल रहा, हम कहाँ से लाए, हम घर से, मेरा घर से दिए क्या पैसा, 10 लाख बोल रहे, कलेक्टर भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में नहीं मान लो तो थोड़ा शर्म का बात है वो, इसलिए थोड़ा अप्लाई करे तो मैं कोर्ट वो। अभी तक कितने मामलों में मुआवजा मिल पाया? थोड़ा 11 मेंबर को मिल गए, वो टाइम्स ऑफ इंडिया पत्रिका में थोड़ा लिखे सार लिखे तो वो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट वाला देख के मेरे को बुलाए तो मैं गए तो थोड़ा लिस्ट आपका हैदराबाद वाला लिस्ट दे बोले तो मैं दिए तो 1 मंथ में आए 12 मेंबर के आए 10 लाख्स। ये लोग भी यही लिस्ट में आए मगर थोड़ा मुश्किल है बोल के बाद में दे रूँ बोल के बोले, दूसरा बार भी अप्लाई करे तो मार्च में देने को है बोल के बोले, वो करोना थोड़ा लॉकडाउन आए तो उसलिए थोड़ा पेंडिंग है मगर कोर्ट भी चालू है अभी तक नहीं आए। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं जैसे पढ़ाई बच्चों की, पक्का नौकरी या घर, वो सब भी कुछ मिला है क्या? नहीं मिला है मैडम, कि अभी तक एक आदमी को भी घर नहीं मिला है। क्यों नहीं, वो गवर्नमेंट का इतना लैंड है, घर है, राजीव गृहकल्प खाली है, उनको देने को मुश्किल क्या है गवर्नमेंट को? अभी तक वो बच्चों का एजुकेशन का सपोर्ट नहीं करे, घर का सपोर्ट नहीं करे, 10 लाख का सपोर्ट नहीं करे, उन क्या सोच रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ है, फोटो वोटो सब है आपके पास? सब है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पेपर में दिए है, सब है हमारे पास, सब है। हाँ है। फिर 10 लाख क्यों नहीं मिला? मिलता बोले अभी तक नहीं मिले, मेरा गवर्नमेंट देते बोले अभी तक नहीं दिए हमारे गवर्नमेंट, अभी थोड़े दिनों को आए सोए हमारे को आते बोले, अभी लॉकडाउन का पहले आने का था, लॉकडाउन का हो गया, अभी तक नहीं आया हमारे को, आते आजकल बोल रहे अभी तक नहीं आया हमारे को।